हेलो फ्रेंड्स, आपका निकितास किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पापड़ी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाने का तरीका पूरी तरह से अलग है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। पापड़ी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप इतना मैदा। ये पापड़ी को आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। तो 2 कप मैदे के लिए हम लेंगे कुछ मसाले, और साथ ही ले रही हूँ 1 चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर, और उसी के साथ मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को डालते समय हमें क्या करना है, हाथों से इस तरह से ना क्रश करके डालना है, जिससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे डाल रही हूँ, और साथ ही साथ क्या कर रही हूँ, इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। तो 1/2 चम्मच इतना मैं नमक ले रही हूँ, और उसी के साथ मैं ले रही हूँ 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की बिल्कुल महीन पीस लिए हैं मिक्सर में से, उसे मैं ऐड कर रही हूँ। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, इसी से पापड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इस पापड़ी को एक बार बनाकर देखिएगा, आप हमेशा बनाएंगे, मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। जब भी मैं इस पापड़ी को बनाती हूँ, तब उस समय मैं 1 किलो की पापड़ी बनाती हूँ, क्योंकि ये पापड़ी इतनी टेस्टी लगती है कि तुरंत ही ख़त्म हो जाती है। और हमें क्या करना है, अब साथ में तेल ऐड करना है। तो 3 चम्मच मैं तेल इसमें ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल सा तेल लिया है मैंने, गरम वाला तेल नहीं लिया है। तो देखिए, इतने ही इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें ऐड करना है, और साथ ही साथ अब हम क्या करना है, इसे अच्छे से मसल कर सभी मसाले मैदे में लग जाना चाहिए। इसी तरह से इसे अच्छे से मसलना है। तो 2 से 3 मिनट हमें इसे लग जाएंगे मसल कर लगाने से, जिससे तेल भी मैदे में अच्छे से लग जाएगा, और इसी से पापड़ी खस्ता बनती है। तो इसे हमें जल्दबाजी से नहीं करना है, आराम से इसे लगा लेना है। और जब मसाले में तेल अच्छे से लगा लेना, तो इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखना है। मुट्ठी बन जाती है तो तेल बराबर हुआ है। अगर नई मुट्ठी बनती है तो आप इसमें और 1 चम्मच तेल ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं पानी से इसे गूंद रही हूँ। पानी मैंने नॉर्मल सा लिया है, ठंडा या गर्म नहीं लिया है। तो आटा हमें किस तरह से गूंदना है, आटा हमें पूरी के जैसा गूंदना है, यानी पूरी बनाने के लिए हम जिस तरह से आटा गूंदते हैं ना, बस उसी तरह से हमें आटा इसका गूंदना है, क्योंकि पापड़ी बनाने के लिए हमें शीट बिल्कुल पतली बेलना है। तो पानी डालते समय आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटा गूंदते रहना है, यानी जितनी ज़रूरत हमें पानी की लगेंगे उतना ही हम पानी डाल पाएंगे। तो देखिए, आटा मैंने गूंद लिया है, और इसे अच्छे से मसल भी लिया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने आटा गूंदा है। तो इसे ना हम ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो रखने से पहले हमें क्या करना है, इसमें पानी का हाथ लगा लेना है, देखिए, और इसे ना ढककर रख देना है 10 मिनट के लिए। मैदे की पापड़ी बनाते समय मैदे को हमें 10 मिनट के लिए ढककर रखना ज़रूर रहता है, जिससे पापड़ी पतली बेली जाती है। तो देखिए, हमारा आधा पानी यूज़ हुआ है, यानी 2 कप मैदे के लिए 1/2 कप पानी मैंने यूज़ किया है, और हमारा आटा भी सेट हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। जब भी हमें मैदे की पापड़ी बनाना हो ना, तो उस समय हमें आटे को इस तरह से 10 मिनट के लिए रखना होता है, जिससे पापड़ी बहुत ही अच्छी बेली जाती है, पतली बेली जाती है और खस्ता बनती है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है, आटे को ना थोड़ा सा तेल लगा लिया है, इसे चिकना कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी लोई तोड़ना है। वैसे तो इस पापड़ी का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है, यानी बहुत बढ़िया लगता है, पर आप इस पापड़ी का पापड़ी चाट बनाकर खा सकते हैं, या अगर आपको नाचोस पसंद है ना, तो नाचोस के जैसा भी इसे खा सकते हैं। और साथ ही मैंने सूखा मैदा लिया है। इस तरह से हम मैदा लगाकर पापड़ी बनाएंगे, जिससे क्या होता है, पतली पापड़ी हम बेल सकें, और ये चिपकती नहीं है, बार बार अच्छे से बेली जाती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने लोई बना ली है। जो लोई के अंदर जो क्रैक्स आते हैं ना, वो हमें नीचे के साइड से दबाना है, और इस तरह से चिकनी लोई बना लेना है। तो चलिए, पापड़ी के लिए पतली शीट बेलकर रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मैदे में इसे थोड़ा सा डिप करेंगे, और इसे हम बेलते हैं। तो बेलते समय हमें बिल्कुल पतली शीट बेलना है। जितना पतला बेलोगे ना, उतनी पापड़ी खाने में खस्ता लगेंगी, करारी लगेंगी, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो देखिए, जिस तरह से चिप्स रहते हैं ना पतले, उस तरह से ये पापड़ी खाने में लगेंगी, पर इसका टेस्ट चिप्स से भी अच्छा आता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ना बेल लिया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतला बेला है। और साथ ही साथ मैं क्या कर रही हूँ, इसमें इस तरह से छेद कर रही हूँ, जिस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो ये फूलती नहीं है, क्रिस्पी बनती है। और इस पापड़ी को कट करने का मेरा अलग ही तरीका है।
मैं ट्रायंगल शेप इस तरह से कट करती हूँ। देखिए इससे क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है, तुरंत बनकर रेडी हो जाते हैं और आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा के एफर्ट नहीं करना होंगे। देखिए इस तरह से ना बड़ी बड़ी स्ट्रिप कट करना है हमें, डायमंड शेप में कट करना है, तो बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है हमें। और जब हम डायमंड शेप में इसे कट करेंगे ना, तो उस समय हमें क्या करना है, इसे बस बीच में से कट लगाना है, जिससे हमारे ट्रायंगल शेप बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। देखिए इस तरह से हम साइड से एक बार इस तरह से लगा कर देख सकते हैं, तो हमें आइडिया आ जाती है हमें किस तरह से कट करना है। तो देखिए इस तरह से आप उसी तरह से सामने से भी कट कर ले सकते हैं। और अगर आप इसे हमेशा बनाओगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएंगे किस तरह से आपको बनाना है। तो बहुत आसान हो जाता है इस तरह से हम अगर कट करते हैं। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए तो अगर ऐसा होता है ना, तो हमें इसे ठीक कर लेना है जिससे ट्रायंगल शेप अच्छे से बन पाए। और इसे मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से ट्रायंगल को बनाकर हमें तुरंत ही फ्राई कर लेना है, यानी इसे हमें ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना है। आप दो दो शीट कर इसे बना सकते हैं, तो दो शीट की मैंने बना ली है। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइन ऑयल लिया है, और तेल हमें किस तरह से गर्म चाहिए, जब हम इसमें थोड़ा सा आटा डालकर देखें ना, तो ये तुरंत ही ऊपर आ जाना चाहिए फ्राई होकर, यानी तेल हमें पूरा धुएँदार नहीं चाहिए, बस गर्म चाहिए। और इसमें हमें ट्रायंगल छोड़ना है, और ट्रायंगल डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम करना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। इस वाले ट्रायंगल ज़्यादा ऑयली नहीं बनते हैं, यानी ऑयली नहीं बनते हैं, इसे फ्राई करने में भी बहुत कम तेल लगता है। तो अगर आपको ऑयली खाना नहीं पसंद है ना, तब भी आप इसे खा सकते हैं। सूखे सूखे से ट्रायंगल्स बनते हैं और खस्ता बनते हैं। तो देखिए हमें इस तरह से इसे फ्राई करना है, और जब इस पे के थोड़े बबल्स कम हो जाए ना, उस समय हमें गैस की फ्लेम बढ़ा देना है, यानी फुल पे कर लेना है। और फुल पर करने के बाद ही इसे हमें निकाल लेना है, जिससे थोड़ा सा भी अगर इसमें तेल रहता है ना, तो वो भी निकल जाता है और ये ऑयली नहीं बनते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका हल्का कलर आया है, बस हल्का कलर आया ना, तो ही हमें इसे निकाल लेना है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि अब तेल का टेम्परेचर ज़्यादा है, और इस समय अगर हम पापड़ी डालते हैं तो तुरंत ही लाल हो जाती है। तो इस समय हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर लेना है, और एक मिनट के बाद इसे मीडियम कर लेना है। तो देखिए तो अब इस पर कलर चढ़ रहा है, तो इसे हम अब निकाल लेंगे। वैसे तो इस पापड़ी को फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट लगते हैं एक बैच फ्राई होने में। तो देखिए इसे हमने निकाल लिया है, सभी पापड़ी को हमने फ्राई करके रख लिया है, और साथ ही साथ हम इस पर मसाला बनाएंगे इसके ऊपर छिड़कने के लिए, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। 1 चम्मच ले रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, या जो ज़्यादा तीखा नहीं रहता है ना, वो लाल मिर्च पाउडर हमें लेना है। 1 चम्मच ले रही हूँ जीरा पाउडर, भून कर पिसा हुआ जीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच लिया है मैंने चाट मसाला, जिससे पापड़ी चटपटी हो जाए। तो देखिए मसालों को हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, और पापड़ी में आपको बताती हूँ, देखिए किस तरह से पापड़ी बनी है, बिल्कुल खस्ता पापड़ी बनी है। और आप देख सकते हैं इस पर आपको तेल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा, देखिए। तो अब हम इस पर मसाला डालेंगे, और मसाला डालने के बाद इसे ऊपर नीचे कर लेंगे, जिससे पापड़ी पे मसाला अच्छे से लग जाए। तो 2 कप मैदे से हमारी कितनी सारी पापड़ी बनी है आप देख सकते हैं, मार्केट के पापड़ी से ये पापड़ी कई गुना अच्छी है, यानी हमने इसमें तेल अच्छा यूज़ किया है, मैदा अच्छा यूज़ किया है, तो हम इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। तो इस पापड़ी को मैंने इस तरह से स्टील के डब्बे में निकाल कर रख लिया है, और देखिए हमारी इतनी पापड़ी बनकर रेडी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेंगी सबसे पहले। इसी तरह से हम मिलेंगे और भी नई नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।